लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। 9 जून को शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां भी जोर शोर से चल रही है। 7 देशों के मेहमान शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेंगे और देश से लेकर दुनिया भर की निगाहें अब नरेंद्र मोदी पर टिकी हुई हैं और वो ये देखना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद नरेंद्र मोदी कौन से बड़े फैसले करते हैं। जून को शपथ मोदी 3.0। लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद एक चीज जो तय हो गई वो ये कि एनडीए ही तीसरी मरतबा सरकार बनाने जा रही है और उसके नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। एनडीए के घटक दलों के पूर्ण समर्थन के बाद 9 जून को मोदी तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे। एनडीए संसदीय दल के नेता नरेंद्र मोदी 9 जून को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। एनडीए के संसदीय दल के नेता व लोकसभा के नेता के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम का प्रस्ताव करता हूं। हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन देती है। मैं अपनी पार्टी अपना दल की ओर से एनडीए संसदीय दल के नेता के पद पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम का पूरे दिल से समर्थन करती हूं। मैं हमारे बाला साहब ठाकरे जी के विचार वाली शिवसेना के पार्टी के तरफ से पूरा समर्थन देता हूं। मैं चिराग पासवान, मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से एनडीए संसदीय दल के नेता पद पर श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम का समर्थन करता हूं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पीएम मोदी को दही चीनी खिलाकर उन्हें सरकार बनाने का आमंत्रण दिया है। 9 जून को शाम 7:15 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसको लेकर जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं। 9 जून को नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री पद के तौर पर लगातार तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने मनोनीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दही चीनी खिलाकर केंद्र में एनडीए सरकार बनाने के लिए निमंत्रण दिया। मोदी 3.0 कैबिनेट का चेहरा क्या होगा, इस पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं। हालांकि अभी तक ये सामने नहीं आ पाया है कि किस दल को क्या पोर्टफोलियो मिलेगा। कल प्रधानमंत्री जी शपथ लेगा, एक नया युगों का शुरुआत होगा। उसका पहले हनुमान जी, फिर रामलाला। आशीर्वाद मांग रहा हूँ कि बहुत बढ़िया कार्यकाल हो मोदी जी का, 5 साल में भारत का वैभव और बढ़े, हम विश्व गुरु बने। ये एक महासमुद्र है, जैसे 542 सीट है, कभी भाग्य में ये सीट आएगा कि दूसरा बार दूसरा सीट आएगा, तो उसमें बहुत पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। प्रधानमंत्री कौन बना वही देखना है। कभी यूपी में जीतेगा, कभी बिहार में जीतेगा, कभी दोनों स्टेट में जीतेगा। चुनाव में तो पॉलिटिक्स एक अलग बात है। मनोनीत पीएम मोदी तीसरी बार पीएम बनने जा रहे हैं। इधर जेडीयू नेता केसी त्यागी ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि इंडिया गठबंधन ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इंडिया ब्लॉक की ओर से प्रधानमंत्री का पद ऑफर किया गया है, जिसे नीतीश कुमार ने तुरंत ठुकरा दिया है। हालांकि कांग्रेस ने जेडीयू के दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। जिन लोगों ने नीतीश कुमार जी को एनडीए गठबंधन के संयोजक के योग्य भी नहीं माना, उन लोगों ने अंतिम क्षण तक नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उनके प्रधानमंत्री होते हुए नई सरकार गठन हो ऐसे प्रपोजल्स भेजे।
हम इंडी गठबंधन में अपनी पार्टी की और नेता की भूमिका को लेकर के काफ़ी आसान्वित थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के और कुछ और दलों के नेताओं ने स्थिति को खराब किया, जिसकी वजह से हम गठबंधन से बाहर आए और एनडीए गठबंधन को मजबूत करने का काम किया। इतिहास गवाह है, नीतीश जी के इंडी छोड़ने के बाद ही उनकी हवा खराब हुई और एनडीए का प्रचार प्रसार तेजी से शुरू हो गया। अब उसी तरह जानकारी हमारे पास नहीं है, क्या ऑफर खुला है? आपको जवाब मिल गया क्या भविष्य में सर नीतीश जी को प्रधानमंत्री का ऑफर दिया जा सकता है? आपको जवाब मिल गया। इससे पहले नरेंद्र मोदी को 7 जून को लगातार तीसरी बार एनडीए का नेता चुना गया। पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई। इसमें एनडीए के सभी 293 लोकसभा सांसदों, राज्यसभा सांसद और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम की मौजूदगी में सुबह 11 बजे इस पर मुहर लगाई गई। इसके बाद एनडीए ने दोपहर 3 बजे सरकार बनाने का दावा पेश किया। गठबंधन के नेताओं ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को समर्थन का पत्र सौंपा। फिर शाम 6 बजे मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले। राष्ट्रपति ने उन्हें सरकार बनाने का न्योता दिया। बैठक के बाद मोदी ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से उनके घर जाकर भेंट की। जून को शपथ मोदी 3.4। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार तीसरी बार शपथ लेने से पहले एनडीए के नवनिर्वाचित सांसद कैबिनेट मंत्रियों की सूची को अंतिम रूप देने के लिए बैठकों का दौर चल रहा है। कल शाम एक भव्य समारोह में पीएम मोदी और उनकी नई कैबिनेट के सदस्य शपथ लेंगे। नरेंद्र मोदी प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद ऐसे पहले प्रधानमंत्री होंगे जो लगातार तीसरी बार शपथ लेंगे। बीजेपी ने 2014 में 282 सीटें और 2019 में 303 सीटें जीती। इस बार 240 सीटें हासिल की हैं, लेकिन एनडीए सहयोगियों की मदद से चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी 16 सीटें और नीतीश कुमार की जेडीयू की 12 सीटों के जरिए बहुमत के आंकड़े को पार कर गई है और 293 सीटें हासिल की है। यह हम सब के लिए उत्साह की बात है। इसी लक्ष्य की ओर हम लोग सब मिलकर प्रयासरत भी थे कि मेरे प्रधानमंत्री तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। मेरे लिए तो स्वाभाविक सी बात है, बहुत ज्यादा खुशी का ये लम्हा है। 2014 से ही इसी सोच के साथ मैं एनडीए सरकार, एनडीए गठबंधन के साथ मैं जुड़ा भी था। उस वक्त भी सपना यही था कि मेरे प्रधानमंत्री, जो उस वक्त प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे 14 में, वो देश के प्रधानमंत्री बने और इस बार तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बनकर एक नया इतिहास लिखने जा रहे हैं। हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि उस इतिहास के साक्षी, उसके गवाह हम लोग बनेंगे। नरेंद्र मोदी के बारे में बताते हुए एक बीजेपी नेता का कहना है कि इतिहास इस बात का गवाह है कि हमेशा एनडीए को मजबूत करने के लिए नरेंद्र मोदी ने काम किया है। 90 के दशक में जब बीजेपी पूरे देश में अपने पांव पसार रही थी, तब उस नेता के मुताबिक नरेंद्र मोदी ने कई राज्यों में बीजेपी की सरकार बनाने में एनडीए के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एनडीए में कई दल तो ऐसे हैं जिनके नेता साफ कह रहे हैं कि वो सिर्फ नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं, उन्हें किसी भी पद की लालसा नहीं है। नरेंद्र मोदी 9 जून 2024 की शाम 7:15 बजे लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। सूत्रों के मुताबिक मोदी के साथ एनडीए के 14 सहयोगी दलों के 18 सांसद भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इनमें 7 कैबिनेट और बाकी 11 स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री के रूप में शपथ ले सकते हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। माना जा रहा है कि 3 दर्जन से अधिक सांसद मंत्री पद के शपथ ले सकते हैं। टीडीपी और जेडीयू से 2-2 और शिवसेना से 1 कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि इसके अलावा एनसीपी, एलजेपी और जेडीएस के कोटे से कैबिनेट मंत्री शपथ ले सकते हैं। कल नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे और मैं जो पिछले 10 साल से उनके साथ काम कर रहा हूं,
मेरा विश्वास है कि ये 5 साल देश के लिए एक बहुत बड़ी उड़ान का समय है। बहुत कुछ देश सकारात्मक देखेगा और मैं जितने लोगों से मिल के आया हूँ सब लोग बस एक ही बात कह रहे हैं, मोदी जी को मेरी तरफ से बधाई दे देना। ये भारत का, विकसित भारत का रास्ता खुल रहा है। मैं बाबा विश्वनाथ को बारंबार आभार प्रकट करता हूँ। इधर नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह की जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं। राष्ट्रपति भवन में 9 जून को शाम 7:15 बजे शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष पहुंच रहे हैं। उनके स्वागत में पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें सभी विदेशी मेहमानों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगाई गई है। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो रहे हैं। मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइजू भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो रहे हैं। सेशेल्स के उप राष्ट्रपति अहमद अफीफ आ रहे हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच चुकी हैं। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो रहे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कुमार डहल प्रचंड भी शपथ ग्रहण समारोह में आ रहे हैं। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोंगबे शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह के लिए दिल्ली की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा के लिए अर्धसैनिक बलों की 5 कंपनी ड्रोन स्नाइपर की तैनाती की गई है। इसके अलावा विदेशी मेहमानों को राजधानी दिल्ली के ताज, लीला, ओबराय और क्लैरिजर जैसे होटलों में ठहराने की व्यवस्था की गई है, जिसके लिए होटलों को सुरक्षा घेरे में ले लिया गया है। हम आपको बता दें कि मनोनीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के लिए 7 देशों के राष्ट्र प्रमुख शामिल होने के लिए यहां दिल्ली आ रहे हैं। अब देश से लेकर दुनिया भर की निगाहें 9 जून यानी कल पर टिकी हैं, जब मनोनीत पीएम नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे।